साल यहाँ हमारे कार्यक्रम होता है, बहुत भव्य तरीके से होता है। लगभग 2 महीने से हम इसके लिए चक्कर काट रहे हैं। घंटा पहले मेरे संज्ञान में आया था कि इसी तरह से 10 तारीख को वहाँ पे मेला लगना है, और उससे पहले सफाई, पानी की निकासी, कई तरह की वहाँ जो चीज़ें हैं। जैसे इनके संज्ञान में आया, खुद ही दौड़ते हुए मतलब बिल्कुल फास्ट तरीके से यहाँ सारे अधिकारी को बुलाया, और उन्होंने अभी आश्वासन दिया जो 1-2 दिन में आपका पूरा काम हो। तुरंत अपने स्टाफ को बुला के वो कार्रवाई शुरू कर दी है, और उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन में इसकी सारी सफाई, पानी की निकासी और ये वो सब लाइटें हम सब कर देंगे। नमस्कार, इस समय हम कैथल के विद्यार पुल के पास मौजूद हैं, जो पार्क रोड पर मौजूद है। दिवाली के 6वें दिन बाद यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन किया जाता है, जो पूर्वांचल समाज के, जो यूपी बिहार के जो लोग हैं, उनकी देवी उस के माध्यम से जो छठ पूजा यहाँ पर की जाती है। पीछे की तस्वीर में आपको दिखाऊँ, ये विद्यार पुल की पुल है और उसकी झील है। यहाँ पर जो पूर्वांचल समाज के जो लोग हैं वो छठ पूजा के लिए यहाँ पे आते हैं, जो कि आने वाली 10 तारीख को है। पूर्वांचल समाज के जो प्रतिनिधि हैं वो नगर परिषद के पास काफ़ी बार से अपनी समस्या लेकर जा रहे थे कि वहाँ पर व्यवस्था को, साफ़ सफाई की व्यवस्था को ठीक किया जाए, लेकिन आज जैसे ही जो नए ईओ साहब आए हैं कुलदीप मलिक जी, जैसे ही ये मामला उनके संज्ञान में आया, वैसे ही कुलदीप मलिक जी दफ्तर से निकलकर सीधा ही पार्क रोड पर विद्यार झील कर झील पर पहुंच चुके हैं, जहां जायज़ा लिया जा रहा है कि आखिरकार क्यों नहीं व्यवस्था को ठीक किया जा रहा, जब इनका कार्यक्रम है, इनका पर्व है, तो उसको लेकर नगर परिषद द्वारा क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही, उसको लेकर खुद मौके पर ईओ साहब कुलदीप मलिक पहुंचे हैं और तमाम निरीक्षण किया जा रहा है, और जो मौके पर तमाम अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको भी आदेश दिए जा रहे हैं कि समय रहते इसकी व्यवस्था को ठीक किया जाए। जो गंद फैला हुआ है, जो कबाड़ है, जो पानी के अंदर व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, जो पानी में कबाड़ जो जमा हुआ है या कबाड़ जो इसमें डला हुआ है, उसको तुरंत प्रभाव से निकालने का प्रयास किया जाए। यहाँ पर जो प्रबंधक, पूर्वांचल समाज के जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो जो यहाँ पहुँचे, उनसे भी बात करेंगे आखिर की छठ पूजा का किस तरह का महत्व रहता है और कितने श्रद्धालु आने की उम्मीद रहती है। लेकिन मौके पर ईओ कुलदीप मलिक पहुँचे और अधिकारियों को आदेश दें कि तुरंत प्रभाव से इस व्यवस्था को ठीक किया जाए, और जितना भी यहाँ पर गंद, जो कबाड़ जो है, जो ढेर कबाड़ के लगे हैं, उसको निकालने की व्यवस्था जो है तुरंत प्रभाव से की जाए। सख्त आदेश जो है वो जो कमेटी के, जो नगर परिषद के जो कर्मचारी अधिकारी उनको दिए गए हैं, और जो लोग यहाँ मौजूद हैं पूर्वांचल समाज के, उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ वो कहना चाहेंगे, और ईओ साहब से भी जानेंगे कि किस तरह के आदेश दिए गए हैं और इस व्यवस्था को लेकर क्या कुछ आगे कदम उठाया गया है। ये मामला अभी कुछ देर पहले ही, आधा घंटा पहले मेरे संज्ञान में आया था कि इसी तरह से 10 तारीख को वहाँ पे मेला लगना है, और उससे पहले सफाई, पानी की निकासी, कई तरह की वहाँ जो चीज़ें हैं, तो मैं उन लोगों के साथ जो यहाँ के प्रबंधक हैं उनके साथ आया हूँ, ताकि 10 तारीख को जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। और मैंने अभी तुरंत जो जो डिमांड इन्होंने रखी है, तुरंत अपने स्टाफ को बुला के वो कार्रवाई शुरू कर दी है, और उम्मीद है कि अगले 2-3 दिन में इसकी सारी सफाई, पानी की निकासी और ये वो सब लाइटें हम सब कर देंगे। और फिर भी मैं बार बार यहाँ चक्कर लगाता रहूँगा, अपने ध्यान में रखूँगा, पूछता रहूँगा, ताकि 10 तारीख को श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना आए। पूर्वांचल समाज के लोग हमारे साथ, इनसे जानेंगे कि किस तरह का इन्होंने कार्रवाई के लिए कहा था और क्या व्यवस्था देखी गई, किस तरह से ईओ साहब ने काम किया। जी, क्या नाम है? जय किशन जी। जनविका सेवा समिति का मैं उपप्रधान हूँ, और हर साल यहाँ हमारे कार्यक्रम होता है, बहुत भव्य तरीके से होता है। लगभग 2 महीने से हम इसके लिए चक्कर काट रहे हैं। पिछले ईओ साहब पता नहीं क्या किए नहीं किए, अभी ईओ साहब का दौरा था, जैसे इनके संज्ञान में आया, खुद ही दौड़ते हुए मतलब बिल्कुल फास्ट तरीके से यहाँ सारे अधिकारी को बुलाया, और उन्होंने अभी आश्वासन दिया जो 1-2 दिन में आपका पूरा काम हो जाए। और उससे पहले हमने बहुत चक्कर काटे, पर उससे पहले सुनवाई नहीं होती। हाँ, ईओ साहब के आश्वासन से संतुष्ट है। और मौके पर तमाम अधिकारियों को आदेश, सारे अधिकारी आए थे, उनको आदेश भी दे दिया उन्होंने, और बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने हमको बताया भी है। बहुत किस तरह का पर्व रहता है, कितने श्रद्धालु आने की उम्मीद रहती है, किस तरह से मनाया जाता है, कितने दिन का रहता है ये? लगभग वैसे 4 दिन का प्रोग्राम है, तो 2 दिन का तो हमारे घाट पे होता है और 2 दिन हमारे घर पे ही होता है। इसमें लगभग यहाँ 7-8 हज़ार पब्लिक
ऑन स्पॉट यहाँ पे होते हैं, पूरा मेला लगता है। यहाँ आपको एक भी जगह खाली नहीं मिलेगा, इतना पब्लिक भरा होता है। पूरे रात जागरण होता है और कार्यक्रम पूरे रात चलता है जागरण से, और शाम को डूबते हुए सूरज को अर्घ देके और सुबह फिर अगले दिन उगते हुए सूरज को अर्घ देके समापन किया जाता है। तो दो दिन का ये कार्यक्रम रहता है यहाँ पे, 2 दिन का कार्यक्रम है जी। और अब किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, किस तरह का? अब दिवाली के अगले दिन से ही यहाँ टेंट वगैरह लगना शुरू हो जाएगा। बहुत बड़ा भंडारा की व्यवस्था है, हमारे लोकल जितने भी मंत्री वगैरह हैं जो भी उस टाइम में उपलब्ध होंगे सब आएंगे और यहाँ माथा टेकने के लिए सब आते हैं। कौन लोग ये इस पर्व को मनाते हैं, छठ पूजा को? स्पेशली पूर्वांचल समाज मनाते हैं, कुछ यूपी के हैं और कुछ बिहार में तो पूरा का पूरा ही है जी। और ये लगभग अब तो पूरा वर्ल्ड में मनाया जाता है और विदेशों में भी मनाया जाता है। तो मतलब तैयारियाँ जोरों पर की जा रही हैं, पूरा जोरों से चल रहा है सर। बिल्कुल, इस समय कैथल के विद्यार झील पर मौजूद हैं जहां पूर्वांचल समाज के लोग छठ पूजा जो है, छठ पर्व जो है वो मनाते हैं। दिवाली के 6 दिन बाद होता है, यानी आने वाली 10 तारीख को यहां पर बड़ी धूमधाम से छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा। उसको लेकर काफ़ी बार नगर परिषद को सफाई व्यवस्था के लिए बोला गया, लेकिन जैसे ही ईओ कुलदीप मलिक को इस बारे सूचना मिली तो तुरंत प्रभाव से ईओ कुलदीप मलिक मौके पर पहुंचे और तमाम अधिकारियों को यहां पर बुलाया गया और उन अधिकारियों को सख्त आदेश दिए कि आने वाले 2 दिन में इस व्यवस्था को ठीक किया जाए और जितना भी गंद इस तालाब के अंदर और तालाब के बाहर है यहां पर साफ़ सफाई व्यवस्था ठीक की जाए।